आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। राज ठाकरे को लेकर भविष्यवाणी, चुनाव में कई लोग घर बैठ जाएंगे। 23 नवंबर के बाद बदलेगी मनसे की दिशा व दशा। मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के उम्मीदवार बाला नंदगामवकर ने कहा है कि उनकी पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद उभरने वाले नए सत्ता समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंदगामवकर ने पत्रकारों को दिए एक साक्षात्कार के मुंबई की सीमित भूमि और उच्च जनसंख्या घनत्व का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का रुख उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ नहीं है और पिछले आंदोलन में शिवडी निर्वाचन क्षेत्र में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जहां से वह मनसे के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि मनसे और उसके प्रमुख राज ठाकरे दोनों ही आने वाले समय में राजनीतिक रूप से बहुत ऊपर उठेंगे। मनसे ने 2009 के चुनावों में 288 में से 13 विधानसभा सीटें जीती थीं, जो पार्टी का पहला राज्य विधानसभा चुनाव था। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनावों में मनसे को केवल एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अब की बार उसका प्रदर्शन सुधरेगा। पार्टी ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति का समर्थन किया था, लेकिन 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं। 4 बार विधायक रहे नंदगामवकर ने मध्य मुंबई के लालबाग में स्थित मनसे कार्यालय में कहा, इस चुनाव में आप देखेंगे कि कई लोग घर बैठ जाएंगे या हार जाएंगे और अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे। साथ ही राज ठाकरे इन विधानसभा चुनावों के बाद नए सत्ता समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंदगामवकर का मुकाबला शिवसेना UBT के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अजय चौधरी से है, जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नंदगामवकर को हराया था। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी MBA दोनों मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और मतगणना 23 नवंबर को होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।